ये देखो बड़ा प्यारा है। हाँ हाँ बहुत प्यारा है ना, बहुत प्यारा ना। नीचे फिर। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और कमेंट करके लाजमी बताया करें आप लोग मुझे कहाँ से देखो और सपोर्ट करें। तो अभी हो रहा है तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। और आज के व्लॉग को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। कल है हमारा फन फेयर यानी कि मीना बाजार, और आज मैंने उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी। मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी और उसके साथ बाकी तमाम चीज़ें भी जो मैं कल जो है ना वेयर करके जाने वाली हूँ। तो बाकी ये कि मैं, जाहिर सी बात है यार, लड़कियां हूँ, कभी भी मौका मिले, कहीं भी मौका मिले, तैयार होने का एक्साइटमेंट तो होती है। तो समझे बस आज मेरी वही एक्साइटमेंट, ऐसे जैसे छोटी 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 बच्चियों को ईद पे होती है ना कि यार चूड़ियाँ पहनेंगे, नया सूट पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरा हाल सेम टू सेम वही है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सोने हो, बाकी सारे टोर गए नाश्ता करके? नहीं आधे करना ने काशम दी पक्की है अच्छा वो तो पका के ले चले, आज रहने दे, मैं आज साथ नहीं लेके जाऊंगी, बस मेरी रोटी बना दे अभी के साथ लिए। वाली रोटी दा आटा ही कोनी बनी चले आटा ही नहीं बचा आज। कभी आप कहते ज्यादा गूंद देती हो, कभी कहती कम। पूरा ही काम। अच्छा इतनी बार मैं बाजार गई हूँ, मतलब मैंने वो हमेशा मैं एक देखती थी, वो ना बारीक सी चेन हो ना, उसके अंदर रेड रेड कलर के मोती लगे होते थे। मैं सोचती थी मैंने इसको कहाँ पहनना है, मैंने इसको कहाँ पहनना है। लेकिन आप मुझे, जब मैंने अभी देखा ना कि मेरा जो कल फनफेयर का ड्रेस है वो रेड कलर का है, तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है यार, मैं ले ही लेती। अब फौरन फौरन तो इसके लिए शहर नहीं जा सकती। तुमने मुझे 6 बजे से पहले पहले आ जाना अब भी मैं नहीं छोड़ने जाना है, हाशिम जाए डेरे पर। आज जुम्मा, आज इसने मुझे छोड़ने जाना है। माशाल्लाह जी, अपना नाश्ता हो गया तैयार। तो ये देखे रात हमने फिर बनाया था आलू मटर गाजर की सब्जी, और साथ में है पराठा। आ जाए मिलकर खाते वापस आके ना। आज आज फ्राइडे था, मुझे था कि आज तो मैं पक्का जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन फिर हमें सिटी जाना पड़ गया, थोड़ा सा काम था ज़रूरी उसकी वजह से। और दूसरी चीज़ जो हुई है वो मैं ये कि मैंने ना हेयर कटिंग करवा ली। मैं सोच रही थी तो आज मैंने कहा चलो बाल कटवा लेती हूँ, उसमें मेरे बाल माशाल्लाह लंबे हो गए थे काफ़ी, और ना गिरना स्टार्ट हो गया, हेयर फॉल हो रहा था, बाल ऐसे उतर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये काम तो ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने ना कटिंग करवा दी। और वैसे मुझे लगता है कटिंग करवाने से ना बाल जो है उनकी ग्रोथ और मज़ीद अच्छी हो जाती है इस वजह से। बाकी एक अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम बाल कटवाएं, अम्मी कहती है आपके लंबे बाल होने चाहिए, लंबे बाल प्यारे लगते हैं। तो अभी मैं कल जब इंशाल्लाह ताला रेडी होंगी ना, फिर मैं आपको अपना पूरा लुक भी दिखाऊँगी और अपने हेयर्स भी दिखाऊँगी कि मैंने कटिंग कैसे करवाई है। और अभी मैं जरी का इंतज़ार कर रही हूँ, जरी आती है फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो जो मैं लेके आई हूँ, जो हम कल पहनने वाले हैं। ते मेरी मोटा तौर पर चलिए ना दो कर ले बात। अच्छा अम्मा मेरी की सहेलियां है, ते अपनी सहेलियां मिलन चलिए है। हां जरा को मैं बह बह के सारी दिहाड़ी इस कारे थकी पई। नहीं नहीं जाओ जाओ सहेलियां नु हेलो हाय करके आओ। मैं जुकाम बन गया, तबीयत मेरी खराब की थी। हां जी जाओ जो हेलो हेलो करके आओ। तो मेरा भी सालन बन के तैयार हो गया। आटा मैंने सुबह के लिए आटा भी गूंद लिया, क्योंकि रात को मुझे पता है मैं कपड़े प्रेस करने हैं और जो भी करने वाले काम है वो करने हैं। तो अभी जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करते हैं। क्या बनाया आज अम्मी जान? आलू गोश्त। माशाल्लाह जी, आई तो फिर पार्टी होगी हमारे घर है। और आपका दिन कैसा रहा? ठीक ठाक बुतर रहा है, पढ़ना तो भी है थोड़ी सी बेचारी। अच्छा तो अम्मी मैंने बाल कटवा लिए। जमा कटवाए नहीं, कितने सोने बाल लंबे लगते हैं। जरीन तो मैं अपना जरा ना कटाई, अम्मी एडे ही लंबे रहे। अम्मी थोड़े से बस नीचे से ठीक करवाए हैं, पता है क्या है, वो जब बाल लंबे होते हैं जाते हैं ना तो गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मैं ना जरी तुम्हें पता है मैं सोच रही थी कि ना मैंने मतलब मेरे ड्रेस के साथ ना ऐसी कोई गले में पहनने के लिए ना कोई चीज़ नहीं है, तो मैंने अभी मैं सुबह ही सोच रही थी यार अल्लाह, मतलब मैं कहती हूँ कभी कभी ऐसा होता है और आज कल मेरे साथ ऐसा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुँह से बात निकलती है पूरी हो जाती है। नहीं कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ ना, कि मतलब आप मुंह से कोई बात निकालते, इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने मुंह से अपने बारे में किसी के बारे में बुरी बात मत करें, कि कोई वक्त कबूलियत का होता है, हमेशा अच्छी बातें करें। तो मैं सोच रही, मैंने कहा कि यार मतलब मैंने वो नेकलेस देखा था कहीं पे रैंडम कभी देखा था, तो मैंने कहा यार अभी तो हो नहीं सकता आज, क्योंकि कल फंक्शन है, तो मेरा तो शहर जाने का कोई प्लान ही नहीं है कि मैं के उसको मैं ले आऊँ। और वैसे भी आज फ्राइडे है, तो मुझे अगर मैं गई भी तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ने कहा क्यों परेशान हो मुझे। अच्छा जी ये देखिए जरा, ये नेकलेस था ये वाला, ठीक है मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। जरी रुक जाओ हौसला करो जरा, मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेरा रेड ड्रेस है ना, रेड ड्रेस के साथ है, तो मैं दिखाती हूँ। ये चाइनीज कोरियन ऐसे पहने होते ना उन्होंने, है ना, उन्होंने ऐसे पहने होते ना जरी,
है मेरे टॉप्स। मैंने सोचा ए, अब मेरे नेकलेस ले लिया तो मैं टॉप्स भी ले लूं। ये देखो कितने प्यारे हैं छोटे से, है ना। नेकलेस माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, प्यारा है ना, प्यारे हैं। अक्सर ना मुझे ये भी कमेंट आता है कि आप ही आपने ना जरी के लिए कोई चीज नहीं ली, आपने खुद लिया है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि तो अब पता क्या होता है, अब हम दोनों बहने हैं ना, हमने अगर रैंडम लोग ऐसे करते हैं ना कि दो सूट लेते हैं, एक जैसे दो सूट ले लेते हैं कि जी ये सूट एक तुम्हारा है और एक मेरा है, तो हम क्या करते हैं, हम ना हमेशा हमारे कपड़ों का नाप भी एक होता है और हमारी जूतों का साइज भी एक है और हमारी चॉइस भी एक है। तो जो चीज हम शॉपिंग तो हमेशा करती मैं हूँ, तो जो चीज मैंने ले आनी है वो जरी ने पहन लेनी है, अगर जरी ने कोई चीज ली है मैंने पहन लेनी है। हम में ये नहीं होता कि ये तुम्हारा है और ये मेरा है। हाँ जी, हम बहनों में अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ ये चीज तुम्हारी और मेरी है। अब अगर ये चीजें मैं लेके आई हूँ ना, ठीक है अभी कल मेरा फंक्शन है स्कूल में, मेरा वो इवेंट है, एक तो मैं पहन के जा रही हूँ, अब जब उसका दिल करे वो पहन सकती है। कि ये ऐसा नहीं कि ये चीज मैं अपने लिए लेके आई हूँ, मैंने इसको साइड पे रख देना है। तो मुझे तो ये लगता है कि सब बहन भाइयों में ऐसे ही होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे बीच में ये चीज बहुत है। और उसके बाद मैंने वहां पे खाए जरी, वो प्लेट पकड़ो। तो मैंने वहां पे चीज खाई तो मैंने सोचा यार मेरी बहन और अम्मी लोगों के बगैर मेरा खाने को तो चीज दिल नहीं करता। फिर मैं चिप्स लेके आई मैं, और उसके बाद मसाला चिप्स खत्म हुए थे, साल्ट ये साल्ट वाले चिप्स थे, तो फिर मैंने यही ले लिया। पकड़ो जरा मैं इसको ना, वो भी और भी है उसमें, भी और है। अच्छा तो ये है भरी, इसकी सॉस कहाँ गई, इसने मेरी सॉस भी दी थी। ऐसे ना करो, वो सॉस नहीं दी उसे, मेरी सिर्फ साल्ट दी है, कैसे दे दी है, वो इनके साथ नहीं देते, वो दूसरा मसाला। यार मैंने उसको कहा था मुझे इसके साथ दे देना, उसने नहीं दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो इसके ऊपर केचप डाल लेते हैं। तो ये मैं लेके आई, तुम क्या लेके आई हो दिखाओ। ये मैंने ना मंगवाया, मुझे ये इतनी अरसे से मैं देखी जा रही थी, मैं कह रही थी अल्लाह में नया घर देखना ना, मैं मम्मी को मंगवा के दूंगी। अच्छा। लेकिन मैंने अभी मंगवा दी। ये देखो ये अवन के लिए ना बड़ी सही है, मतलब कोई भी चीज लेके आते हैं और मूंगफली वगैरह या कुछ भी डाल के खाने के लिए, ये उसके लिए है। कितनी ज्यादा 10 है खाने के लिए चीजें डाल बंदा पा लेता है। मैं अंगूर लेके आई हूँ, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी खा लेंगे, अभी इसको थोड़ी देर बाद वॉश करके ना ठंडे पानी, फिर ये भी खाते। और उसके बाद मुझे ना, मैं सुबह जैसे ही गई मुझे चढ़ गया बुखार जाते ही, तो मैं ना मतलब भाई के साथ गई, वो भाई शहजादे उनके साथ डाटे के पास गई, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। जैसे ही मैं बाहर निकली ना मुझे चक्कर आया, तो अल्लाह का शुक्र है उसने मेरा ऐसे मैडम हाथ पकड़ लिया, वरना मैं तो उधर ही गिर जाना। और फिर मैंने दवाई खाई तो ऐसी नींद आई जैसे पता नहीं मैं सदियों की जाग रही हूँ। उधर सो रही सो गई मैं पीछे जाके, वो अल्लाह का शुक्र मैं साथ वाले ने कहा कि मैडम कोई नहीं आप आराम करें, लेकिन मुझे बहुत नींद आई। इसको गर्म तो करो, इसको भी गर्म करना है, ये ऑयल वाले हैं, इसको कैसे गर्म करेंगे, ऐसे खा लो। डॉक्टर ने ये चार गोलियां दी, उसने एक इंजेक्शन का बोला था कि सुबह लगा, चार ही दी है सात बस, अम्मी को ना देना चार की चार, एक आदमी दे दो बुखार की बस। अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन सी देने वाली, गूगल से सर्च करो तुम, देख लो ना इन चारों में सब दवाइयों के नाम लिखो गूगल पे। अच्छा ये देखो इसके अंदर तो कितने सारे हैं, मतलब और मुझे लगता है इसको ऐसे ऐसे करके बंद भी कर सकते हैं, हो जाता है बंद। हमारी अम्मा बच्चों से ज्यादा बच्ची है, अम्मा को आइसक्रीम चॉकलेट और मोमो कोको मौसम बदल गया है, मोटो आइसक्रीम खा के मारो ना। प्यारी सी YouTube फैमिली, अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और आगे शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।